इधर एक तारीख एक घंटा और एक साथ थीम पर आज देश भर में सुबह 10 बजे से स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान समाज के सभी वर्गों ने सफाई में अपना श्रमदान किया। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में भी सुबह 10 बजे से स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान रायपुर नगर पालिका निगम के सभी 70 वार्डो में जनप्रतिनिधि और आम लोगों ने स्वच्छता अभियान में अपनी जनभागीदारी की। वहीं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल में भी सुबह 10 बजे एक घंटे स्वच्छता के लिए श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। इस मौके पर रेल महाप्रबंधक संजीव कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस अभियान में सभी लोग स्वेच्छा से स्टेशन और परिसर की सफाई में अपना श्रमदान कर रहे हैं। आज श्रमदान के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जिसमें कि हम स्टेशन के, आपका अपना स्टेशन है, शहर का स्टेशन है, सभी वासियों का, शहर वासियों का स्टेशन है, और ये एक गेटवे है, शहर का गेटवे, बड़ा गेटवे है। यहाँ पर सारे यात्री और उनके सामान का आदान प्रदान होता है। बाहर आने जाने वाले यात्री बड़ी बड़ी मात्रा में स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो इसको साफ रखने के लिए, और ये शहर का प्रतीक माना जाता है कोई भी रेलवे स्टेशन, उसे स्वच्छ और साफ रखने के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं। हम स्वैच्छिक रूप से श्रमदान कर रहे हैं यहाँ पर, और साथ में मिलकर के हम जो यहाँ की पब्लिक है उसको भी जागरूक करेंगे। केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर द्वारा अरपा रिवर फ्रंट के पास आज सुबह 10 बजे राष्ट्रीय सेवा योजना नेहरू युवा केंद्र संगठन के सहयोग से विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य अरुण नाथ दिवाकर ने कहा कि स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ शरीर और मन भी स्वच्छ होना चाहिए, जिससे कि अच्छे विचारों के साथ हम देश के निर्माण में भागीदारी कर सके। और मन भी स्वच्छ होना चाहिए, जिसमें कि अच्छे अच्छे विचार हमारे मन में आए और हम उन विचारों को लेकर के समाज को, संस्कृति के उत्थान में, राष्ट्र के उत्थान में सतत संलग्न रहें। इसी प्रेरणा को लेकर के भारत सरकार ने उनके जन्मदिवस से एक दिन पूर्व एक तारीख एक घंटा का स्वच्छता मिशन अभियान शुरू किया। महापौर रामशरण यादव ने बिलासपुर वासियों से शहर को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की। स्वच्छता अभियान चल रहा है आज बिलासपुर नगर निगम के द्वारा, सभी सामाजिक संस्थाओं के द्वारा, NSUI, NCC और हमारे पार्षद सासी, आप देख रहे हैं चारों तरफ सफाई के काम में लगे हुए हैं। मैं नगर निगम में निवास करने वाले सभी नागरिक बंधुओं से अपील करता हूं कि अपने घरों का कचरा डस्टबिन में डालें, नगर निगम की जो गाड़ी आती है उसमें डालें, किसी प्रकार के रोड में या नाली में कचरा ना डालें, जिससे कि पर्यावरण प्रदूषित होता है और हम सब लोग बीमार रहते हैं। बिलासपुर शहर को स्वस्थ बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए सभी लोग सहयोग दें, ताकि हमारा शहर क्लीन सिटी के रूप में जाना जाए। वहीं कोंडागांव जिले में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस मौके पर जिला पंचायत कार्यालय परिसर के उद्यान और पार्किंग स्थल की साफ सफाई की गई। सूखे पत्ते, पन्नियां और कागज के कचरों को हटाया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रेम प्रकाश शर्मा, अधिकारी कर्मचारी और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों ने भी उत्साह के साथ भाग लिया। इधर रायपुर दूरदर्शन केंद्र परिसर के नवीन कॉलोनी में एक तारीख एक घंटा एक साथ श्रमदान के तहत विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। NSS के वॉलंटियर सुबह से ही कार्यक्रम के लिए उत्साहित थे। ठीक 10 बजते ही सभी ने मोर्चा संभाला और एक घंटे के श्रमदान से दूरदर्शन कॉलोनी को गंदगी मुक्त कर दिया। इस दौरान NYKS द्वारा टी शर्ट का वितरण किया गया। इस मौके पर पत्र सूचना कार्यालय रायपुर के उपनिदेशक रमेश जय भाई ने बताया कि स्वच्छता अभियान में भाग लेना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को स्वच्छतांजलि अर्पित करना है। स्वच्छता के लिए श्रमदान हम सबकी सम्मिलित जिम्मेदारी है। उधर कोरबा जिला में भी स्वच्छता ही सेवा महाअभियान के तहत नगर निगम में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से महापौर राजकिशोर प्रसाद सहित निगम के कर्मचारी और अधिकारी के साथ ही आम लोगों ने स्मृति उद्यान की साफ सफाई की। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कहा कि सभी नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक रहना चाहिए और श्रमदान कर अपने परिसर को स्वच्छ बनाने में भागीदारी देना चाहिए। वहीं अपर आयुक्त खजांची कुमार ने बताया कि नगर निगम के सभी वार्डों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वच्छता ही सेवा के तहत श्रमदान कर ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों द्वारा अपनी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। द्वारा कल
आगामी 2 अक्टूबर को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जयंती के पूर्व प्रभात बेला पर स्वच्छता ही सेवा के माध्यम से श्रमदान करके हम शहर को स्वच्छ बनाने का कार्य कर रहे हैं और एक जनता में जागरूकता फैला रहे हैं कि जिस तरह से गांधी जी का सपना था कि हम स्वच्छ रहें, स्वच्छता मेंटेन करके रखें, स्वच्छाचारी बने, तो उसी आदर्श को अपनाते हुए आज हम 1 घंटे का श्रमदान करके स्वच्छता को प्रमोट कर रहे हैं। वहीं महासमुंद नगर पालिका के द्वारा नगर के 30 वार्डों में 1 घंटा स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष राशि महिलांग ने कहा कि स्वच्छता ही सेवा है, नगर पालिका का काम ही है अपने नगर को स्वच्छ रखना। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के जरिए लोग घर और आसपास के इलाके को स्वच्छ बनाते हैं तो प्रधानमंत्री की स्वच्छ भारत की परिकल्पना निश्चय ही साकार होगी। इसी कड़ी में राजनांदगांव रेलवे स्टेशन परिसर में झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया गया। इस अवसर पर रेलवे स्टेशन में पड़े प्लास्टिक के बोतल, खाद्य पदार्थ के रैपर को डिस्पोज किया गया। कार्यक्रम में नागपुर रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल अधिकारी प्रशांत टी नायक, स्कूल और एनसीसी कैडेट, रेलवे के अधिकारी कर्मचारी शामिल होकर स्वच्छता का संदेश दिया। इस मौके पर रैली निकालकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल अधिकारी प्रशांत टी नायक ने कहा कि स्वच्छता के प्रति न केवल संदेश देना है बल्कि रेलवे स्टेशन, रेलवे कॉलोनी को स्वच्छ और सुंदर बनाना है ताकि लोगों का स्वास्थ्य उत्तम रह सके। उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पर राजनांदगांव स्टेशन पर उपस्थित हुए हैं और राजनांदगांव स्टेशन में आज यहाँ पर सभी का हमें सहयोग प्राप्त हुआ है, बहुत ही भरसक सहयोग प्राप्त हुआ है, जिसमें कि स्काउट एंड गाइड, सिविल डिफेंस, एनजीओ और एनसीसी के कैडेट्स हैं और सारे रेल कर्मचारी जो हैं यहाँ पर उपलब्ध हैं, उन्होंने अपना भरसक योगदान दिया है और हमने काफ़ी स्वच्छता के प्रति जागरूकता मतलब लोगों में पैदा करने की हमने बहुत कोशिश की है और लोग काफ़ी जागरूक भी हैं और ये हमारा जो आयोजन है वो सफल रहा है। हमने लोगों के बीच जाकर जो उन्हें संदेश दिया है वो संदेश मुझे लगता है कि उनको प्राप्त हुआ है। दुर्ग में भी आज स्वच्छता अभियान में लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। इस दौरान स्कूली छात्रों में विशेष उत्साह देखा गया। इस अवसर पर भिलाई स्थित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल परिसर में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर महानिरीक्षक संजय प्रकाश ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में कहा कि आज हमारे 250 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया है। कि एक बड़ी प्रायोरिटी रहती थी कि स्वच्छता जीवन में हमारे आए, शुचिता आए और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले कई सालों से देश में ये मुहिम चलाई है और उसी के तहत आज पखवाड़ा, स्वच्छता पखवाड़ा खत्म हुआ कल और आज स्वच्छता दिवस मनाया जा रहा है जिसमें पूरे देश में सामूहिक स्तर पर 10 से लेकर 11 बजे 1 घंटे के लिए सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। CISF सेंट्रल सेक्टर और RTC के द्वारा हमारे तकरीबन 250 जवानों और अफसरों ने मिल करके आज उतई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सफाई का अभियान चलाया जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि आसपास के लोगों में जागरूकता हो इसमें और मुझे खुशी हुई कि बड़े पैमाने पे यहाँ के जो बच्चे हैं और महिलाएं हैं इन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इसका आगे आने वाले समय में भी इसका परिणाम अच्छा होगा। इसी तरह कबीरधाम जिले में भी स्वच्छता ही सेवा श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन नगर के प्रत्येक वार्ड में किया गया। साथ ही शहर के 15 चिन्हांकित स्थलों में भी सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों ने शहर को स्वच्छ बनाने का संकल्प भी लिया। इस मौके पर कलेक्टर जनमेजय महोबे ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि उद्यान के आसपास पसरी गंदगी को साफ किया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों को प्लास्टिक के प्रति जागरूक होना पड़ेगा और कपड़े तथा कागज के बैग उपयोग करने की आदत डालनी होगी। जो है बहुत खूबसूरत गार्डन है, इसके आसपास जो गंदगी थी उसका गंदगी को हमने साफ किया। स्पेशली मैं बताना चाहूँगा प्लास्टिक का कचरा ज़्यादा निकल रहा है तो हमें इससे इस गंभीर मुद्दे को ओनरशिप के साथ दूर करने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति स्वच्छता को एक पूर्ण स्वामित्व के साथ करेगा तो मेरे ख्याल से वो दिन दूर नहीं है कि हम स्वच्छ शहर बना सकेंगे। गौरतलब है कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने आज देश भर में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ विशेष रूप से स्वच्छता गतिविधियों के लिए समर्पित अभियान है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के लिए श्रमदान हम सब की जिम्मेदारी है।